नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम प्रतिलोमवर्ती फलन में आगे सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुख्य मान और प्रांतों किस तरीके से ज्ञात करते हैं, और उन पर आधारित एक दो प्रश्न भी हमने हल किए थे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से आगे प्रतिलोमवर्ती फलन में। जैसे कि हमने देखा था कि मुख्य मान और प्रांत, जैसे हम प्रतिलोमवर्ती फलन को इस तरीके से दर्शाते हैं, साइन इनवर्स अक्ष बराबर वाई। यहां पर जो भी प्रतिलोमवर्ती फलन से फलन आते हैं, साइन इनवर्स अक्ष, कोस इनवर्स अक्ष, टेन इनवर्स अक्ष, कोट इनवर्स अक्ष, सेक इनवर्स अक्ष और कोसेक इनवर्स अक्ष है, इन सबको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर के मामले। अब हम देखेंगे यहां पर साइन इनवर्स अक्ष बराबर होता है अक्ष। यहां पर साइन और यहां पर साइन इनवर्स अक्ष आता है, तो इसका मतलब होता है अक्ष। ध्यान देना, ये अक्ष है वो केवल और केवल प्रांत को नोट करता है। किसको नोट करता है? प्रांत को, या एक अंक अंकमान रहेगा। दूसरा एक हम लिखते हैं साइन साइन साइनवर्स साइन अक्ष, इसका मान भी क्या था? अक्ष। इसका प्रांत होता है अक्ष एलिमेंट ऑफ -1 से 1, और इसकी वैल्यू आती है -π/2 से +π/2। ये जो अक्ष है वो इस π/2 यानी कोई भी रेडियन मान है उसको डिफाइन करता है। रेडियन मान के बारे में ही बताया जाता है। वैल्यू दोनों की सेम है, यहाँ पर अक्ष है, यहाँ पर अक्ष, इसका मतलब साइन बाहर रही और अंदर साइन इनवर्स अक्ष रहे तो भी एक्स वैल्यू आएगी। ये साइन इनवर्स हो या साइन एक्स रहे तो भी एक्स वैल्यू। हाँ, इसके अलावा यदि साइन यहाँ पर आता है, कोस यहाँ पर आता है, तब हम वैल्यू नहीं आएगी, तो किसी एक अंदर वाले को हम यहाँ पर बदलेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक फलन है वो हमारे पास आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये आता है, मान लीजिए साइन साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गए। ये डिपेंड करता है मुख्य मान पर। ये जो डिपेंड मान है वो किस पर डिपेंड करेगा? मुख्य मान पर, कि मुख्य मान है वो ही, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके मुख्य मान के अंदर आनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर साइन वर्स साइन अक्स आ रहा है, अक्स आ रहा है, वो वैल्यू किसके अंदर आएगी? अक्स की वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के अंदर होगी, तो ही हम उसको अक्स लिख सकते हैं, अन्यथा उसको अक्स नहीं लिखेंगे। तब उसको हम, मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था, एक चतुर्थांश के अनुसार, पार्टीशन के अनुसार उसको इस पार्ट के अंदर बदलेंगे, तब जाके उसको हम इस साइन अक्ष के रूप में लिख सकते हैं। यदि अंक आते हैं तब कोई दिक्कत है, तब आपके पास इस रूप में आता है, और इस -1 से 1 अंक भी आपके पास -1 से +1 के रूप में है। अगर इसके अलावा यदि आता है तो वो डिफाइन नहीं होता है, तो इसी रूप में ध्यान देना। तो हम इसको देखो, जैसे ये आता है कोस कोस इनवर्स अक्ष, तो ये क्या रहेगा? ये भी अक्ष रहेगा। कोस कोस इनवर्स अक्ष का जो प्रांत है वो भी कितना आएगा? -1 से +1 रहता है, -1 से +1 रहता है। जब इसके मुख्य मान की बात करते हैं, कोस इनवर्स कोस अक्ष, ये अक्ष है, तो इसका मुख्य मान रहेगा 0 से π, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको वीडियो देखो, तो ही आप यहाँ पर समझ में आएगा। इस प्रकार से वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक, तो हमें भी क्या समझे हैं कि साइन साइन और अक्ष आता है तो उसको हम अक्ष लिखेंगे, या साइन और साइन अक्ष आता है तो भी अक्ष लिखेंगे, लेकिन ये दोनों मानो किस में होने चाहिए? अक्ष वर्ग, ये वैल्यू वो इसके अंदर होनी चाहिए और ये वैल्यू वो इसमें होनी चाहिए। ये दोनों अलग अलग है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर साइन साइन और 1/2 है ये, तो इसकी 1/2 वैल्यू आ गई, दो 1/2 है, -1 से +1 के अंदर है। इसी प्रकार कोस कोस इनवर्स अक्ष है, वो अक्ष है, ये इस रूप में आएगा। ये इसका मुख्य मान है और ये इसका क्या है? प्रांत है। तो इस प्रकार सभी फलनों को हम बदल सकते हैं। कोस के बाद में टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक, इन सबको हम यहाँ पर बदल सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूले इस रूप में भी आते हैं, इन पर हम एग्जाम्पल भी करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया साइन इनवर्स माइनस अक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -k sin इनवर्स अक्स।
कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स टेन, सॉरी टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। फिर वैल्यू देखेंगे कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अगली है सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको भी हमेशा लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर अगली वैल्यू आएगी कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले हैं, यानी इन फॉर्मूलों पर आधारित है वो हमारे पास सवाल आते हैं, यानी कि अगर ये हमें पता होंगे तो ही हम आगे के सवाल है वो निकाल पाएंगे आसानी से। दूसरा है वो किस तरीके से बदलता है, एक आता है इसमें साइन इनवर्स एक बटा एक्स है वो बन जाता है कोसेक इनवर्स एक्स। अगला आता है कोस इनवर्स एक बटा एक्स है वो हो जाता है सेक इनवर्स एक्स, और एक आता है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये हो जाता है कोट इनवर्स एक्स। इस प्रकार हमारे पास आते हैं मान, इनके वैल्यू को हमें फाइंड करनी, यानी इन पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता तो हम इसको हम इन सूत्रों के द्वारा सरल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। पहले ये जो सूत्र आए हैं इन पर आधारित हम सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ सूत्र और बता देता हूं तुम लोगों को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू। और सेम चलेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है पाई बाई टू। ये भी एक मुख्य सूत्र है, मुख्य सूत्र पर आधारित है, इन पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सूत्रों पर आधारित है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इन सूत्रों का प्रयोग है वो कैसे हो, किस प्रकार के प्रश्न आए तो इन सूत्रों का प्रयोग है वो होता है, तो देखते हैं आगे समझ में आएगा किस तरह। दूसरी बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये जो आर है इनको आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि कोस माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स आता है तो इसको हम क्या लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसी प्रकार कोट इनवर्स माइनस एक्स आता है इसको भी हम पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखेंगे, और सेक इनवर्स माइनस एक्स आता है इसको भी लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कंफ्यूज होता है, हम भूल जाते हैं, तो हम सीधा माइनस साइन इनवर्स या माइनस कोस इनवर्स इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखें, इनको ध्यान में रखें। अब हम इन पर आधारित सवाल करेंगे, इनके लिए आपको विशेषकर मुख्य मान है वो जरूर आपको ध्यान रखना है। जैसे नॉर्मली कोई पर्सन करते हैं उसको समझिए ध्यान से एक बार, अब इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे अभी बताया था इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं कितना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब इसमें मैंने बताया था एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस वन से वन, यानी ये माइनस वन से वन के अंदर आ रहा है एक बटा दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक बटा दो। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, साइन यहां पर देखेंगे साइन इनवर्स वन बाय टू, साइन में वन बाय टू है वो किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में वन बाय टू वैल्यू है साइन थर्टी डिग्री की होती है, तो साइन थर्टी डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, इसको ऐसा लिख सकते हो। अब जो साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी साइन पाई बाई सिक्स, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू हो कितनी होगी साइन साइन उसके अंदर लगेगा पाई बाई सिक्स आएगा, और साइन पाई बाई सिक्स का मान कितना होगा वन बाई टू, तो इस प्रकार हम इसको सर कर सकते हैं, तो ये रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। अब से और क्वेश्चन हल करते हैं, यदि हमारे पास यह आ जाता है कोस इनवर्स माइनस वन आ गया, अब
इसको हम कैसे हल करें, कोस इनवर्स माइनस वन आ गया, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसको हम किस तरीके से हल करें। तो ध्यान देना, सबसे पहले दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो कल बताया था मैंने कि कोस इनवर्स माइनस वन बराबर क्या मान लीजिए थीटा, तो ये जाएगा कोस थीटा बराबर माइनस ए। अब हमें ये देखना है कि जो माइनस वन है वो किस किसका मान होता है, यानी वन है कोस में किसका मान होता है, वन हम देखते हैं कोस में कोस जीरो का मान होता है, कोस जीरो का मान रहेगा और कोस पाई का भी मान होता है, जीरो का भी मान होता है पाई का भी। जैसे हम इसको देखते हैं ये जीरो है और ये पाई है, तो ये इधर वन रहेगा इधर माइनस वन रहेगा, ठीक है। या तो डायरेक्ट लिख दो कोस पाई का मान कितना होता है माइनस वन, तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई, थीटा बराबर कितना है पाई, जो कि जीरो से पाई, जीरो से पाई क्या है इसका मुख्य मान, मुख्य मान के अंदर परिभाषित है। दूसरा तरीका है यदि हम इस तरीके से नहीं करें तो हम कौन से तरीके से करें, तो ध्यान देना दूसरा तरीका क्या है, इसका सेकंड फॉर्मेट है कोस इनवर्स माइनस वन, ये दिया गया है, तो अभी हमने लिखा था कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब वन आ गया, यहां पर माइनस से नीचे हट जाएगा यहां से, और कोस इनवर्स वन, वन है वो कोस में किसका मान होता है कोस जीरो डिग्री का मान होता है, कोस जीरो डिग्री का मान कितना होता है वन होता है, तो इसका मतलब इसका पूरे का मान कितना आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस जीरो डिग्री, तो पाई माइनस कोस दिया गया जीरो यानी पाई, हमारे पास आंसर आ जाता है पाई। इसी तरह हम और भी हल कर सकते हैं, ये हो गया। दूसरा देखिए, यदि हमारे पास ऐसा आता है कोस इनवर्स, अब मैं कोस इनवर्स को बाहर ले रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं कोस सेवन पाई बाई सिक्स, अब इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा क्या ये अपने मुख्य मान के अंदर है, यदि ये अपने मुख्य मान के अंदर है तो हम इसको सीधा आंसर क्या जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स, यदि मुख्य मान के अंदर नहीं है तो इसको हम सबसे पहले मुख्य मान के अंदर बदलेंगे, तो मुख्य मान के अंदर नहीं है तो इसको बदलिए, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए इसका मतलब कितना है, तो पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स का मतलब कितना है थर्टी डिग्री, और सेवन को थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 210 डिग्री, और 210 डिग्री है वो जीरो से पाई के बीच में नहीं आता है, तो यहां पर जो हम ये लिखेंगे सेवन पाई बाय सिक्स है वो नॉट एलिमेंट ऑफ जीरो से पाई, यानी ये इसके अंदर नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि सेवन पाई बाय सिक्स है इसको हम यहां से बदलेंगे, तो बदलने के लिए क्या करें, बदलने के लिए मैंने दो वीडियो डाले थे उसमें से एक वीडियो है कि हमने पार्टीशन बनाए थे, पार्टीशन के अनुसार हम इसको बदलते हैं, कैसे बदलते हैं ध्यान समझिए, कोस इनवर्स कोस सेवन पाई बाई सिक्स हमेशा लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स, देखो सो सिक्स प्लस वन यानी सेवन पाई बाई सिक्स हो गया, अब ये देखो कि पाई प्लस पाई बाई सिक्स यानी ये आ गया पाई प्लस थीटा, और कोस पाई प्लस थीटा, कोस प्लस पाई प्लस थीटा है वो कौन से पार्ट में चला गया, देखो ये आता है पाई माइनस थीटा, इधर आता है पाई प्लस थीटा, एंड थर्ड पार्ट में चला गया, और थर्ड पार्ट में कोस वो कैसा होता है माइनस का, तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस का कोस थीटा। मैं बार बार बता रहा हूं यदि ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये पर्सन भी समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए इसको समझने के लिए आपको मेरा पहला है वीडियो है वो इसको देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा, माइनस कोस थीटा, तो इसको आप कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाई सिक्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये कोस इनवर्स है ये एक्स है और ये कितना है माइनस एक्स, तो इसको क्या बदलेगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई सिक्स। अब तुम यहां पर ध्यान दोगे तो देखो कोस इनवर्स कोस पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स है वो क्या इस अंतराल में आ रहा है जीरो से पाई में आ रहा है ना पाई बाई सिक्स, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं ओनली पाई बाई सिक्स रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये आएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव पाई बाई सिक्स, अब फाइव
पाई बाय सिक्स आ गया वो एलिमेंट ऑफ जीरो से पाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, फाइव पाई सिक्स थर्टी, इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री आएगा, 150 डिग्री वो जीरो से 180 के बीच में आता है। इसका मतलब इसका आंसर वो कितना आएगा, फाइव पाई बाय सिक्स। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे सेवन पाई बाय सिक्स तो ये हमारे पास आंसर है वो कितना होगा, रोंग होगा। इसको आप बदलोगे, इसके लिए हमें इस पता क्या होना चाहिए, मुख्य मान के बारे में पता होना जरूरी है। मुख्य मान के बारे में जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम इनके ये प्रश्न है वो नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया साइन इनवर्स, साइन टू पाई बाई थ्री ऐसा ले लिया मैं, ठीक है। टू पाई बाई थ्री, पाई बाय थ्री कितना हो गया 60, 120, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखोगे यहां पर सबसे पहले चेक करो क्या इसका सीधा आंसर हो सकता है, क्या इसका आंसर टू पाई बाय थ्री हो सकता है। तो हम चेक करेंगे तो हम देखते हैं पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री होता है और 60 को हम दो से गुणा करेंगे 120 डिग्री। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मुख्य मान, और साइन का मुख्य मान है वो कितना होता है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, यानी माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के मध्य इसका मान होता है। तो जैसे तुम लोग माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर देखोगे तो 120 है वो नहीं आती, इसकी वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री, जो कि माइनस 90 से प्लस 90 के मध्य नहीं आती है। तब हम क्या करें, तब इसको आप बदलोगे, इसको हम मुख्य मान के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं आता या नहीं आता। साइन इनवर्स, साइन इसको हम लिख सकते हैं पाई और पाई बाय थ्री ऐसा लिख दीजिए, हमारे पास टू पाई बाय थ्री आना चाहिए। तो टू पाई बाय थ्री आने के लिए क्या करोगे आप, इसको माइनस कर दो, पाई माइनस यानी थ्री पाई माइनस पाई, टू पाई हो गया, ये आ जाएगा। अब आप देखोगे इसको, देखो ध्यान से, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है ओनली साइन थीटा। अब क्यों होता है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट के अंदर है और सेकंड पार्ट के अंदर साइन है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, और साइन यहां पर पाई आ रहा है तो साइन का साइन ही रहेगा। तो इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, थीटा इज कितनी वैल्यू है, पाई बाय थ्री, आप पाई बाय थ्री लिख दीजिए यहां पर। अब आप देखोगे जो पाई बाय थ्री है वो क्या अपने मुख्य मान के अंदर आ रहा है, जी हाँ वो अपने मुख्य मान के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये माइनस नंबर से प्लस नंबर के मध्य और ये पाई बाय थ्री, इसका मतलब मान कितना है 60 डिग्री है, जबकि अपने मुख्य मान के अंदर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय थ्री, ये आंसर आएगा। तो जैसे मैंने कुछ सूत्र बताए उन सूत्रों पर आधारित है वो हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, कॉस इनवर्स ले लिया 1/5, साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर ओनली ओनली कितना आएगा, पाई बाई टू। कैसा आएगा, मैंने शुरुआत में सूत्र बताया था आपको कि साइन इनवर्स अक्स प्लस कॉस इनवर्स अक्स बराबर होता है पाई बाई टू, तो सीधे क्योंकि ये एक्स इसका मतलब 1/5 और 1/5 है वो दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों का मान वो समान आएगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया जो बताया है, कृपया इनको समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, पहले दोनों वीडियो वो आसानी से आप उनको देखिए, उन दोनों वीडियो को देखकर ही आप ये जो बताए वो समझ, अगले आने वाले वीडियो से पहले कृपया इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें समझें, तभी आप आगे आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।